जो आप लोगों को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, तो आप लोग चेक देख के पता चल गया है ये क्या है। ये सोनी कंपनी का 32 इंच का एक टीवी नहीं है, एक मॉनिटर है और इसमें कार्ड डिस्प्ले ज़्यादा ये वाच होगा, क्योंकि ये कार्ड डिस्प्ले इसमें एच डी में VGA पोर्ट है, इसमें स्पीकर भी है, बहुत सारे फंक्शन है इसमें। चलो इसको अनबॉक्सिंग करूँगा। और अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर सब्सक्राइब किया तो लाइक से पूरा प्रैक्टिकल इसको समझ सकते हो। ये इतना बड़ा है, मेरा साइज भी है। यहाँ पे देखिए इसका ब्रांड में हम लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है LED मॉनिटर। तो ये टीवी नहीं है, ये मॉनिटर है, 32 इंच का ये मॉनिटर है, 80.01 सेंटीमीटर का मॉनिटर है। और इसका एक्चुअल मॉडल नंबर MON-3073A है इसका। ये देखिए जो इसमें लिखा है कार्ड डिस्प्ले, ठीक है, 32 इंच। और इसका एमआरपी की अगर हम बात करूँ, ये इसका एमआरपी का बात करूँ, अगर एमआरपी है अगर ऑनलाइन से परचेस करोगे तो 11,000 से 12,000 तक ये मिल जाएगा। लेकिन अगर इसका प्रिंट आउट एमआरपी अगर बात करूँ, ये 30,000 के लगभग एमआरपी लिखा है। तो प्रैक्टिकल भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो ये कहाँ पे है, बहुत बड़ा है, तो पीछे इसको घुमाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बड़ा है, ये देखिए, ये है 29999, मतलब एक रुपया कम 30,000 का एम आर पी दिया है। चलो तो इसको भी अनबॉक्सिंग करूँगा और वीडियो में आप लोगों को, ठीक है। चलो अभी इसको अनबॉक्सिंग करूँगा। यहाँ पे मेरा हथियार रेडी है और देखो कैसे करता हूँ इसका अनबॉक्सिंग। लैपटॉप का डिस्प्ले बन गया, अलग ही लग रहा है, क्या लग रहा है, तो कुछ है, ठीक है, तो कहाँ पे है इतना ही इसको ओपन करता हूँ। इतना बड़ा है, ओ मस्त, मस्त घूमने की जगह भी नहीं है। इसमें देखो क्या दे रहा है कंपनी, ये दे रहा है एक अडैप्टर और इसका एक्चुअल जो पावर है तो 12 वोल्ट 4 एम्पियर का है, ठीक है, ये 12 वोल्ट 4 एम्पियर का है अडैप्टर इसके साथ दे रहा है। और अडैप्टर भी सॉलिड है, मतलब ऐसा ही कि नॉर्मल का है, तो ये देखिए ब्रांडेड टाइप का है, इसको मैं साइड कर देता हूँ। और ये देखिए ये है स्कैन, ये देखिए ये इसका स्कैन ऐसे रहेगा, ओके, इसको भी लगा के एक बार चेक करूँगा, इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। और ये भी एक पार्ट है, ठीक है, स्कैन का चेक करो, इसको भी साइड कर देता हूँ। अब जाएगा खुल जा सिम, देखो तो भी साइड कर देता हूँ, कितना बड़ा है, अनबॉक्सिंग करने के लिए बहुत बढ़िया लगेगा जगह, ठीक है। तो देखो कितना साइज है इसका डिस्प्ले, तो डिस्प्ले देख के पता चलेगा। ये देखिए ये फ्रेमलेस, ठीक है, और इससे भी बड़ा है क्योंकि ये कार्व है, थोड़ा सा टेढ़ा है। मेरा ऑफिस में भी एक काम करते बंदा, इसका नाम है रॉनी, और ऐसे ही टेढ़ा है, ठीक है। देखो डिस्प्ले, देखो ऐसे डिस्प्ले टोटली कार्व है, तेरा है, देखो कितना तेरा है, और मोबाइल से डिस्प्ले जो है ऐसा टाइप का है। तो गेमिंग वगैरह जो करता है बहुत मजा लेगा ये, ठीक है। और इसका ग्राफिक्स डिजाइन भी बहुत बढ़िया है, देख सकते हो। और ये जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लॉक है और इस लॉक से आपका जो यहाँ पे जो मटेरियल है ये वाला, ये स्टैंड यहाँ पे लगेगा और स्क्रू पे यहाँ पे डाल देंगे, ठीक। और इसका साइज़ है 32 इंची, इसका पावर बटन यहाँ पे है। और क्या बताऊँ इसका, देखिए क्या क्या पोर्ट दिया है इसमें, HDMI दिया है, थोड़ा देखिए यहाँ पे HDMI दिया है, VGA दिया है, साउंड दे दिया है, और DC का जैक जो है ये यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। और कुछ बटन यहाँ पे नहीं दिया है, स्पीकर का ये द्वार यहाँ पे देखिए, जो स्पीकर लगा है यहाँ पे, जो पॉइंट है
और डिस्प्ले जो है बहुत बढ़िया, जो लगा डाला तो लाइट जी का डाला हो जाएगा, ठीक है। तो पता चल गया कि अगर गेमिंग टाइप का डिस्प्ले लेना चाहते हो या ग्राफिक्स डिजाइन करना चाहते हो तो ये कम पैसे में आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद आपको।